वेलकम टू टेक। तो छात्रों, आज का यह वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था, क्योंकि AKTU के जितने भी छात्र हैं उनका सब्र का बांध अब टूटता जा रहा है और वह सभी होपलेस होते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार AKTU की कमियां उजागर हुई हैं छात्रों, क्योंकि AKTU ना समय से रिजल्ट जारी कर रहा है और ना ही समय से चैलेंज इवोल्यूशन का फॉर्म ला रहा है, और इन गतिविधियों के बीच में कोई सर्कुलर भी जारी नहीं कर रहा है कि इतना डिले आखिर क्यों हो रहा है। तो छात्रों, इस वीडियो में मैं बिल्कुल 60 वीडियो में कोशिश करूंगा कि वीडियो छोटा से छोटा रहे और सारी आप लोग की जो प्रॉब्लम है उनका सलूशन मैं इस वीडियो में बता दूं। तो आप लोग का दायित्व बनता है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और पूरा इस वीडियो पे बने रहें। तो चलिए छात्रों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छात्रों, जो पहली समस्या आप लोग की है कि बीटेक फर्स्ट ईयर यानी कि जो फर्स्ट फेज का रिजल्ट है वो सभी छात्रों का अभी तक सभी कोर्सेज का नहीं आया है, तो कैरी ओवर और रेगुलर छात्रों का सभी रिजल्ट कब आ जाएंगे। दूसरी चीज है, यहाँ पर चैलेंज इवोल्यूशन को लेकर हम बात करेंगे, चैलेंज इवोल्यूशन का फॉर्म आपको कब देखने को मिलेगा, आपको डालना चाहिए या फिर नहीं डालना चाहिए। तीसरा है UFM को लेकर छात्रों महत्वपूर्ण अपडेट आई है, उस अपडेट के बारे में आप लोग को इस वीडियो के एंड तक जरूर बताऊंगा, वीडियो पे बने रहें। चौथा क्वेश्चन है जो छात्रों ने अक्सर किया है, ईयर बैक पर अपडेट। जितने भी छात्र आते हैं मेरे पास, लगभग अभी तक 50 से 60 स्टूडेंट आ चुके हैं पिछले 3 दिनों में, और वो यही बोलते हैं कि सर हमारी ईयर बैक लग जाएगी, जबकि उनकी 2 से 3 बैक ही रहती है मैक्सिमम, यानी कि 100% छात्र बी फार्मा के कोर्स से हैं। इस पर भी मैं आप लोग को पूरा सटीक उत्तर जरूर दूंगा। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, यहाँ पर NPTY पर अपडेट मैं इस बार जरूर बताऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण है, बी फार्मा के छात्र बने रहें। यहाँ पर जो छठवा अपडेट है, 6 नंबर का अपडेट है, वह सेकंड फेज का रिजल्ट कब से आना शुरू होंगे, क्योंकि आप लोग के जो मार्च में एग्जाम हुए थे उनका कुछ अता पता नहीं है, क्योंकि अभी फर्स्ट फेज के ही एग्जाम यहाँ पर रिजल्ट यहाँ पर अभी तक पूरे जारी नहीं हुए हैं, और यहाँ पर इवेंट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन शेड्यूल आ गया है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये वही एग्जामिनेशन आप लोग के सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। चलिए छात्रों, पहले हम सीरियल वाइज डिस्कस करते हैं, बीटेक फर्स्ट फेज रिजल्ट कब तक। देखिए, इसी मंथ तक आ जाएगा, कंप्लीट रिजल्ट आ जाएगा, चाहे आपका COP का हो और या चाहे आपका बैक पेपर का हो, जून में नहीं जाएगा, मई एंड तक आपका पूरा रिजल्ट आ जाएगा, चाहे आप किसी भी कोर्स से हो। सेकेंड है चैलेंज इवोल्यूशन फॉर्म कब आएगा। देखिए, चैलेंज इवोल्यूशन फॉर्म बिल्कुल आने ही वाला है। चैलेंज इवोल्यूशन फॉर्म कब आता है, जब सभी कोर्सेज का रिजल्ट आ जाता है, इसके बाद ही चैलेंज इवोल्यूशन का फॉर्म आता है। मई 26 के बाद कभी भी चैलेंज इवोल्यूशन का फॉर्म यहां पर आ सकता है। UFM को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट तीसरा पॉइंट है, मैंने बताया था कि UFM को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। चलिए, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि चैलेंज इवोल्यूशन का जब फॉर्म आए तो आपको फिल करना है या फिर नहीं फिल करना है, वो आप लोग मुझसे एक बार कॉन्टेक्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप फर्स्ट फेज की कॉपी मंगाते हैं 300 रुपये पे करके, अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो 300 रुपये खर्च करने में संकोच मत करना, कॉपी मंगा लेना, मुझे भेजना, मैं बताऊंगा आपको डालना चाहिए सेकेंड फेज का या फिर नहीं डालना चाहिए। अब छात्रों, बात करते हैं यहाँ पर तीसरे पॉइंट में, UFM को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट आई है। जिन भी छात्रों की UFM लगी हो किसी भी रीजन से, जरूर इस पॉइंट को नोट डाउन करिएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी छात्रों को मैसेज देना चाहता हूँ जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, अब तुरंत आप लोग मुझे मैसेज मत करने लगिएगा, क्योंकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, आप लोग बेफिक्र रहिए, आप लोग का रिजल्ट सही रहेगा। और जो भी छात्र अभी तक UFM के रिगार्डिंग किसी से कॉन्टेक्ट नहीं किया है, एक बार मुझसे कॉन्टेक्ट जरूर कर लें, जल्द से जल्द आप लोग का रिजल्ट आने वाला है। चलिए, अब बात करते हैं फोर्थ नंबर में ईयर बैक को लेकर। देखिए, जितने भी छात्र मुझसे कांटेक्ट किए हैं मैक्सिमम बी फार्मा के होते हैं, वो NPTY को ईयर बैक समझते हैं। देखिए, ईयर बैक का सिस्टम अलग होता है, ईयर बैक तब लगती है जब आपके क्रेडेंशियल जो क्रेडिट पॉइंट मिलते हैं वो 50% से कम होते हैं, तब आपकी ईयर बैक लगती है। यहाँ पर जो सिस्टम आप लोग पूछते हैं वो NPTY, मतलब इसका होता है नॉट प्रमोटेड इन ईयर, यानी कि फर्स्ट ईयर में अगर आपकी बैक लगी है किसी भी सब्जेक्ट में तो थर्ड ईयर प्रमोट नहीं होंगे, सेकेंड ईयर में लगी तो फाइनल में प्रमोट नहीं होंगे। इस कन्फ्यूजन को सबसे पहले आप दूर करिए, NPTY पर भी हम आगे बात करेंगे। तो चलिए, अब 6 पॉइंट पर है, 5th पॉइंट पर है, NPTY रूल पर अपडेट हम आप लोग को दे रहे हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि जिन भी छात्रों की फर्स्ट ईयर में बैक लगी है उनका थर्ड ईयर का रिजल्ट नहीं खुल रहा है, जिनकी सेकेंड ईयर में बैक लगी है उनका फाइनल ईयर का रिजल्ट शो नहीं हो रहा है, वो अभी किसी का नहीं हो रहा है, तो आप लोग को वेट करना होगा। AKTU में डिस्कशन, लेटेस्ट डिस्कशन आपको बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा, डिस्कशन चल रहा है कि इस बार से NPTY जो रूल है उसको खत्म करने का यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है। हो सकता है आपको रिलैक्सेशन दिया जाए या पूरी तरीके से NPTY रूल को खत्म कर दिया जाएगा, हालांकि पिछले साल भी यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया था, तो आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। यहाँ पर 6 पॉइंट है, सेकंड फेज रिजल्ट कब तक आएगा, ये लास्ट पॉइंट है। देखिए, जो सेकंड फेज का रिजल्ट कब तक आएगा, सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट फेज का बता दे रहा हूँ कि फर्स्ट फेज की रेगुलर प्लस COP दोनों की पूरी कॉपियां चेक हो चुकी हैं, एक सिंगल कॉपी भी नहीं बची है। अब AKTU क्या होता है कि माध्यम से रिजल्ट निकालता है सीरियल वाइज,
वाइज सबसे पहले वो डिसाइड करते हैं कि किस कोर्स का पहले रिजल्ट निकालना है, क्योंकि यहाँ पर डेटाबेस ऐसा है कि पूरा रिजल्ट एक साथ नहीं निकाल सकते, वरना साइड बैठ जाएगी। आप लोग देख ही चुके हैं करमाल, अभी तक कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही रही है। अब चलिए सेकेंड फेज की यहाँ पर कॉपियाँ अभी पूरी चेक नहीं हुई हैं, उम्मीद है कि 8 जून के बाद से आप लोग के सेकेंड फेज के रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपके मन में कोई भी डाउट है तो इंस्टाग्राम में कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं आप लोग के लिए 24 आवर्स अवेलेबल हूँ। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।